गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग आए हुए हैं और मांझी, रांची से आगे और मांझी है, वहाँ पे एक्वेरियम आए हुए हैं। एक्वेरियम कैसा है दिखाएंगे, कौन कौन सी फिशेज हैं और क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो अंदर में एक्वेरियम लिखा हुआ है गेट पे, वो अभी आप देखोगे वीडियो में आगे। तो अंदर घुसोगे, अंदर में पार्किंग है और आगे अभी हम लोग चल रहे हैं। धनवी चलो 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 फिश कौन देखेगा। पर्स लगाओ, पर्स लगाओ, पर्स बंद करो बेटा, उसमें से गिर जाएगा तुम्हारा कीमती सामान। कीमती सामान था ना उसका। हाँ। तो चलिए एक्वेरियम में फिशेस देखते हैं, कैसा है एक्वेरियम सब कुछ आपको दिखाते हैं। और पार्किंग तो अंदर मिल जाएगी आपको, एक्वेरियम के अंदर ही एंटर करोगे पार्किंग मिलेगी और सीधे ही जाना है। एक साइड तितली पार्क है और एक साइड एक्वेरियम है। तो अभी पहले हम लोग एक्वेरियम की तरफ जा रहे हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा सा नज़ारा व्यू मिलेगा और मौसम भी ठंड का है तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो चलिए, यहाँ पर टिकट काउंटर है, एडल्ट का 30 रुपीज़ है और बच्चों का 15 रुपये है, 15 रुपीज़। 3 से सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये एक्वेरियम खुला रहता है। और ये एक्वेरियम का मेन व्यू है, सामने में बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सा फाउंटेन है। धनवी को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि फ़िश और एलिफेंट है तो उसे एनिमल बहुत पसंद है। एनिमल्स को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कोई भी एनिमल को देखती है तो बहुत खुश होती है। और यहाँ पर कलरफुल फिशेज वगैरह हैं, गोल्डन फिश है, ऑरेंज फिश है और सामने एंटर करते हुए भी आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा, ये रहा। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको मछलियाँ दिखाते हैं कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पर एक्वेरियम में है। कोई फिश, कोई जापान में फिश को कोई बोलते हैं और इन मछलियों के ऊपर मूंछ निकली हुई थी। और धनवी फिश को देख के कैसे एक्साइटेड होगी, देखो दौड़ के भाग के फिश देख रही है। ये बेसिक गोल्ड फिश है, ये फिश तो आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर देखते हैं एग्जॉटिक गोल्ड फिश, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये मछलियाँ। और इसके बाद जो ये मछलियाँ हैं ना, ये किंग ऑफ पॉन्ड फिश है, तो ये फर्स्ट ऑर्नामेंटल फिश है। और ये जो सैड सैड सी फिश है ना, इनका नाम है ऑस्कर। ये बिल्कुल पेट डॉग की तरह बिहेव करते हैं, इसे वाटर डॉग भी कहा जाता है। इन मछलियों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं या पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, ये सिल्वर डॉलर। फिर यहाँ पे अमेजॉन रिवर बायोटिप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इनकी प्रजातियाँ अमेजॉन रिवर में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद है टिन फॉइल फिश, ये देखो। फिर आते हैं एक्वेरियम शार्क, जो एक्वेरियम में रहते हैं ये शार्क के प्रजाति हैं, नज़दीक से देखिए। और सबसे इंटरेस्टिंग रेड बेलीड पिराना, ये जो है ना ये शिकारी मछली है, ये जो पानी में जीव जंतु होते हैं ना छोटे मोटे, उनको खा जाती है। फिर इसके बाद आते हैं एडिबल फिश, जिसे हम खाते हैं कतला रेहू। आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, जिन मछलियों के नीचे जो लिखा हुआ वो मैं दिखा रही हूँ, तो आप आराम से इसे पॉज करके पढ़िए और मछलियों को देखिए और जानिए कि क्या है ये एक्वेरियम। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बट ठीक है। इसमें आपको तरह तरह की बहुत सारी प्रजातियाँ, समुंदर की मछलियाँ और झील की, नदियों की बहुत सारी मछलियाँ आपको मिलेंगी इसमें। देखिए आपको दिखाते हैं एलिगेटर गार, जिसको स्पोर्ट्स फिश भी कहते हैं और ये बहुत ख़तरनाक शिकारी है। इसके बाद जो आपको ये फिश दिख रहा है, ये स्टिंगरे है, ये अपने मुंह के पास जहरीला डंक रखता है जो अपने बचाव के टाइम में वो फेंकता है, और बहुत ख़तरनाक फिश होता है ये भी। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और यही एक फ़िश थी जो इधर से उधर हो रही थी, बाकी फ़िश सारे स्टेबल थे, सब एक जगह पे ही थे, ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहे थे सारे फ़िश, पर ये फ़िश इधर से उधर हो रहा था तो हमें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और धनवी तो इतना एंजॉय कर रही थी कि आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत इन्जॉय करी थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ख़ासकर हम उसी के लिए आए थे फ़िश दिखाने के लिए। अगर आपको फ़िश देखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप अच्छे से पूरा देखिए। और रांची में और मांझी, रांची से आगे और मांझी में ये एक्वेरियम है, वहाँ जाकर के आप ज़रूर ये एक्वेरियम देखिए। मछली रांची एक्वेरियम जो है, मछली घर देख लिए, आपको दिखाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग तितली पार्क में, क्योंकि तितली पार्क और मछली घर का टिकट एक साथ हम लोगों ने ले लिया है, एक ही जगह पर मिल रहा था। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट तितली घर ब्लॉग।